हेलो गाइस, गुड। आलू है, मटर है और यहाँ पे चाय बना रही हूँ क्योंकि आज लेट हो गया, आज 7 बज गया था। तो मैंने आज छोटी कढ़ाई में बना रही है, सारे कपड़े उपड़े रख रही है, देख सकते हो। कनिष्क कहाँ घुस के बैठे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और गाइस, आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ दिखा रही हूँ आप लोग को। ये देखो, आलू है, मटर है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये जैसे अभी आपके मटर हो रहे हैं तो वो पकते नहीं है जल्दी, वैसे ये भी थोड़ा सा सख्त है, लेकिन जितना देर आलू पकेगा तब तक तो पक ही जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने बॉईल कर लिया और पक जाएगा बाकी सब्जी में। और ये दो टमाटर डालूंगी, इधर मसाला ग्राइंड हो गया, ये धनिया का पत्ता। और यहाँ पे चाय बना रही हूँ, दूध गर्म हो गया है, कढ़ाई रख दी हूँ, ये रिया खड़ी हैं और हम चलना चल रही हूँ मतलब बनाने के लिए। तो फटाफट तड़का लगा देती हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं क्योंकि आज लेट हो गया, आज 7 बज गया था, उठने में भी लेट काफ़ी हो गया। सो गाइस, सब्जी मैंने तड़का लगा दिया है, देख सकते हैं। तो मैंने आज छोटी कढ़ाई में बनाया है, धनिया भी कट हो गया है, आटा भी लगा लिया है, रोटी बनानी है फटाफट। देख लूँ हो गया है, मैं डाल देती हूँ धनिया, हो ही गया है लमसम तो। हेलो गाइस, सो फैमिली, हो गई है दोपहर और यहाँ पे रिया सारे कपड़े उपड़े रख रही है, देख सकते हैं। कनिष कहाँ घुस के बैठे हैं देखो तो, क्या है ये? रुद्राक्ष क्या तोड़ रहे हो? ये इनको अलमारी में जगह मिली बैठने की, देखो इसमें बहुत कपड़े थे इधर उधर मतलब पड़े हुए थे, तो सब निकाल दी हूँ। मैंने कहा इसको सारा मोड़ो, भी फटाफट रख दूंगी बैठे बैठे, और ऐसी दुकान भी देख रही है, मोड़ रही है। तो मैं कपड़े धो रही थी और ये उसमें घुस घुस के बैठे। बाबू चोट वोट ना लगे आराम से। और बस ये पावदान रह गए हैं और एक कम्बल रह गया है जो कि धुल रहा है, बाकी सारे धो धो के यहाँ पे रख दी हूँ, देख सकते हैं सारा धो के। इतने सारे कपड़े थे देखो, लग रहा था कपड़े ही नहीं है लेकिन बहुत कपड़े हैं। इधर दाल गरम कर रही हूँ और चावल एक्चुअली रखा हुआ है, तो सोचे गरम कर लेती हूँ दाल, फिर खाते हैं, भूख भी बहुत कस के लग गई है। मैं कहा ना एक कम्बल है उसको खिंगाड़ देती हूँ फटाफट, फिर पावदान वगैरह सब डाल दूंगी, उसके बाद खाना वाना खा के बस उसको भी खिंगाड़ दूंगी बस फ्री। और वो कपड़े कपड़े भी सारे रखने हैं, तो तब तक फिर खाना वाना खा के पौधा वगैरह खिंगाड़ूंगी, फिर उसको सब रखूंगी। और बहुत ज़्यादा खिलाड़ा मचा था कपड़ों की वजह से, और ये धुलने वाले इतने हो गए थे, देख ही रहे हो आप लोग कुर्सी पे, बहुत दिमाग खराब था। तो मैं सुबह पे सोची थी धोने के लिए 10 बजे तक, लेकिन इतनी तेज़ धूप हुई थी, अचानक से इतनी तेज़ बारिश हो गई ना, फिर मैंने कहा रहने दो मैं नहीं धुलूंगी। तो मैं नाश्ता नहीं की थी, तो मैं नाश्ता करने लगी, उसके बाद फिर ये हुआ कि धूप फिर निकल गई है और बारिश वारिश नहीं हो रही है, हवा बहुत तेज चल रही है जैसे आंधी एकदम चल रही है, और कपड़े रुकेंगे नहीं ऊपर, चिमटी भी ख़त्म है, नहीं तो लगा लगा के मोटे मोटे तो डाल ही देती बट नहीं है, तो देखती हूँ क्या करूँगी। ऊपर तो डालने लायक नहीं है, नीचे नीचे सब डालूँगी। और फिलहाल तो विशाल भी नहीं है कि मंगा लूँ, अभी कनिष भी खेल रहे हैं, उनको भी खाना खुना खिलाना है, फटाफट सिर्फ कमर खिंगाड़ के फिर खिला देती हूँ, मैं भी खा लूँ, रिया भी खा ले, उसके बाद फिर और करूँगी। हे गाइस, हो गई है शाम और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ, आप लोग देख आप लोग को दिखाती हूँ क्या बनाने जा रही हूँ। सो गाइस, यहाँ चाय बना रही थी और इधर कनिष का मन कर रहा था पापड़ खाने का, मतलब वो मांग रहे थे मैगी, तो मैगी मैंने कल भी बनाया था, कल भी वो खाए थे, तो मैंने कहा लाओ पापड़ बना देती हूँ, पापड़ खा लेंगे, तो वही बनाने जा रही हूँ। एंड आज है शनिवार, तो आज खिचड़ी बनाऊँगी थोड़ी सी, और देखूँगी विशाल क्या खाता, रोटी खाए तो रोटी बना दूँगी, नहीं तो खिचड़ी खाएगा तो खिचड़ी। अभी जस्ट पूजा करके आ रही हूँ, अब बना के पी लूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद खाना पानी बनाते हैं। हे गाइस, खिचड़ी वगैरह बन गई है, दूध गर्म कर रही हूँ और ये देखो खिचड़ी हमारी बन के रेडी है, तो देखो कैसा लग रहा है। तो ये ना मैंने मिर्ची खड़ी खड़ी सी डाली है, इसलिए आपको ऐसे डंडे सा दिखा होगा, देखो तो हो गया है। रिया और कनिष खा भी रहे हैं, यहाँ पे दूध गर्म कर रही थी, ये भी फिलहाल गर्म हो गया है, और थोड़ी सी बनाई थी चटनी ये देखो, और थोड़ी सी सब्जी भी है सुबह की, आलू मटर। यहाँ पे नट स्लो चलता है ना, इसलिए वो चल नहीं रहा होगा, कनेक्ट करके चला रहे थे टीवी में, तो वो भी गोल गोल घूमने लगा। यहाँ पे खाना खा रहे हैं, कैसा बना खिचड़ी? अच्छा बना है, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, यम्मी। हाँ ऐसे होता है क्या? ऐसे यम्मी करते, ऐसे कर दो। और चटनी कैसी है? चटनी चटनी भी यम्मी, आप चटनी भी यम्मी। हाँ, अरे मेरा बच्चा,
चलो खा लो आप लोग। अभी विशाल गया सतीदेव को तेल चढ़ाने, क्योंकि आज शनिवार है ना तो अक्सर वो चढ़ाता है, तो आ ही रहा होगा। फिर मैं भी चलती हूँ, तब तक खाऊंगी, आ जाए फिर वो भी खाए हुए। और इतना मौसम खराब हुआ है ना, बहुत ही ज्यादा, मतलब आज सुबह से ही ऐसे ही हुआ है। अब कपड़े ऐसे ही रखी हूँ, अभी इधर उधर सारा कुछ डालूंगी, रिया पकड़ाएगी, सारा डालूंगी इधर उधर पूरे घर में, क्योंकि देख सकते कितनी तेज हवा चल रही है, पर्दे उड़े जा रहे हैं, इतना तेज चल रहा है हवा, अभी देखना रुक रुक के आ रहा है मतलब अंदर, तो बहुत ही तेज हवा चल रही है, बारिश हो रही भी रही है, बंद भी हो रही है, कभी तेज हो रही है कभी स्लो हो रही है, ऐसे ही हो रहा है बहुत। क्या हुआ, सही से खिला दो यार, क्या हुआ?